गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लेट वी स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथ्स फॉर फर्स्ट क्लास. सो स्टूडेंट, यस्टरडे वी डिड कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 4.2 एडिशन ऑफ जीरो. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.3 एडिशन ऑन नंबर लाइन. हमारी बेटा देखो, एक्सरसाइज नंबर 4.3 है एडिशन ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पर हमें क्या एडिशन के सम करने हैं. ओके, तो देखो एग्जांपल के लिए ऐड 4 एंड 2 ऑन नंबर लाइन. ऐड करने हैं 4 और 2 को नंबर लाइन पे. हमें अपने एक स्केल लेना है, उसे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. फिर स्केल पे हमारे नंबर बने होते हैं, उनसे हमें ऐसे नंबर यहाँ पे डालने हैं अपने पॉइंट से. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे नंबर डालने. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इन्फिनिटी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी इधर से लेफ्ट साइड है. हम क्वेश्चन करेंगे तो स्टार्ट यहाँ से राइट साइड की साइड जाएंगे, ठीक है. और हम जीरो से स्टार्ट करेंगे. तो ऐड 4 एंड 2, हमें क्या करना है, 4 और 2 को ऐड करना है. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बेटा क्या होगा इसमें, जीरो, ठीक है. हमें क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है. और क्या करना है, कितने, ऐड 4 एंड 2. तो हमें क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करके कितने स्टेप चलेंगे हम, 4 स्टेप चलेंगे. देखो 1, 2, 3, 4, हमारा 4 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए. तो अब हम क्या करेंगे, जीरो से 4 इस पे 4 स्टेप किए. अब हमें कितना ऐड करना है बेटे, 2. अब हम क्या करेंगे, 4 से कितने स्टेप चलेंगे, 2. वी टेक 2 स्टेप, 1, 2. तो देखो अब हम 4 से राइट साइड के साइड चले तो हमारे कितने स्टेप चलने, 2 स्टेप. तो 2 स्टेप के बाद हम आफ्टर 2 स्टेप वी आर एट कितने पे पहुंच गए बेटा, हम 6 पे, ठीक है. तो नाउ वी आर एट 6. सो क्या क्या बोलेंगे हम, ऐड 4 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमारे कितने आंसर आएंगे बेटा, 6 आंसर आएंगे. फिर बोल रही हूँ कि हमें क्वेश्चन को, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और 0 से हमें किस साइड जाना है, राइट साइड जाना है, अपने राइट हैंड की साइड, ठीक है. कि इतने स्टेप चलने हैं उतने स्टेप लेंगे. जैसे 4 स्टेप हमें भी टेक, 4 स्टेप, 1, 2, 3, 4. तो हम क्या करें, 4 स्टेप. उसके बाद क्या है, वी टेक 2 स्टेप, हमें कितने स्टेप चलने हैं, 2, 1, 2. तो अब देखो हम 4 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने आंसर आएंगे, 2, ठीक है. ऐसे ही अब हमारा क्वेश्चन है, ऐड बाय यूजिंग नंबर लाइन. हमारे पास यहाँ पे कुछ सम दिए हुए, इनको क्या करना है, नंबर लाइन से ऐड करना है यूजिंग नंबर लाइन. तो वही क्वेश्चन है कि क्या करना है, कि एक स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है हमें. उसके बाद क्या करना है, नंबर डालने हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है. अब क्या करना है कि 3 और 2 को ऐड करना है. तो क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने अभी बताया था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, 0. अब 0 से हमें कितने स्टेप लेने हैं, वी टेक 3 स्टेप, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्या है, 3 डिजिट. तो देखो 1, 2, 3, हम 0 से किस पे आए, 3, वी टेक 3 स्टेप. अब हमें ऐड कितने करने बेटा, 2. तो देखो 2 स्टेप, वी टेक 2 स्टेप, देन 3 से स्टार्ट करेंगे और कितने स्टेप चलेंगे, 2 स्टेप, 1, 2. तो हमारा 2 किस 5. तो अब देखो हमें क्या करना है, अब हम देखो नाउ वी आर एट 5. तो हम 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, 5 पे. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 + 2 = 5. ओके, ऐसे नेक्स्ट हमें हमारा 5 में 1 ऐड करना है. तो हम देखो अब हम मैं आपको नंबर डाल के दिखा रही हूँ. हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना, लाइन ड्रॉ करनी है और हमें पॉइंट डालने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके, तो अब हमें क्या करना है, वी टेक 5 स्टेप. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0, और हमें स्टेप कितने हैं लेने हैं, 5. तो 1, 2, 3, 4, 5, हमारे कितने स्टेप हुए,
यहाँ पे कंप्लीट 5, देन वी टेक 1 स्टेप. हमें कितने स्टेप लेने हैं अब इसके बाद? 1. तो हम नाउ वी आर एट 6. तो क्या करना है हमें? 5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? 6 आएगा. ओके, हमारा आंसर क्या होगा? 6. ऐसे ही नेक्स्ट हम है 3 प्लस 5. 3 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो हमें कितने स्टेप लेने बेटा? 3 स्टेप. तो 0 स्टार्टिंग पॉइंट से 3 स्टेप, 1, 2, 3. तो हमें 3 स्टेप, देन वी टेक 5 स्टेप. देखो 1, 2, 3, 4, 5. हमारे 5 स्टेप कंप्लीट करने के बाद नाउ वी आर एट 8. हम 8 पर पहुंच गए. अब हमारा 3 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 8. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सम है 7 प्लस 2. हमें क्या करना है? 7 में 2 ऐड करना है. तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उस पर नंबर डालेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10 है हमारा. ठीक है, अब क्या करना है? हमें कितने स्टेप लेने हैं बेटा? 7 स्टेप. तो देखो 0 से हम कितने स्टेप लेंगे? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हमारे 7 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट. नाउ वी आर कंप्लीटेड 7 स्टेप. देन वी टेक 2 स्टेप. हमें कितने स्टेप लेने हैं? 2 स्टेप, 1 और ये 2. तो नाउ वी आर एट 9. तो हम अब किस पे पहुंच गए? 9 पे. तो 7 में अब अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितने आंसर आएंगे? 9. ओके, सो थैंक यू.